ये है वर्ल्ड रिवर डे, यानी विश्व नदी दिवस। हमारे यहां कहा गया है, पिबंती नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। आप सब जानते ही हैं, माघ का महीना आता है तो हमारे देश में बहुत लोग पूरे एक महीने माँ गंगा या किसी और नदी के किनारे कल्पवास करते हैं। अब तो ये परंपरा नहीं रही, लेकिन पहले के जमाने में तो परंपरा थी कि घर में स्नान करते हैं तो भी नदियों का स्मरण करने की परंपरा आज भले लुप्त हो गई हो या कहीं बहुत अल्प मात्रा में बची हो, लेकिन एक बहुत बड़ी परंपरा थी जो प्रातः में ही स्नान करते समय ही विशाल भारत की एक यात्रा करा देती थी, मानसिक यात्रा, देश के कोने कोने से जुड़ने की प्रेरणा बन जाती थी। और वो क्या था, भारत में स्नान करते समय एक श्लोक बोलने की परंपरा रही है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु। पहले हमारे घरों में परिवार के बड़े ये श्लोक बच्चों को याद करवाते थे, और इससे हमारे देश में नदियों को लेकर आस्था भी पैदा होती थी। विशाल भारत का एक मानचित्र मन में अंकित हो जाता था, नदियों के प्रति जुड़ाव बनता था। जिस नदी को माँ के रूप में हम जानते हैं, देखते हैं, जीते हैं, उस नदी के प्रति एक आस्था का भाव पैदा होता था, एक संस्कार प्रक्रिया थी। साथियों, जब हमारे देश में नदियों की महिमा पर बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हर कोई एक प्रश्न उठाएगा, और प्रश्न उठाने का हक भी है, और इसका जवाब देना ये हमारी जिम्मेवारी भी है। कोई भी सवाल पूछेगा कि भाई आप नदी के इतने गीत गा रहे हो, नदी को माँ कह रहे हो, तो ये नदी प्रदूषित क्यों हो जाती है? हमारे शास्त्रों में तो नदियों में जरा सा प्रदूषण करने को भी गलत बताया गया है, और हमारी परंपराएं भी ऐसी रही है। आप तो जानते हैं हमारे हिंदुस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है, खास करके गुजरात और राजस्थान, वहां पानी की बहुत कमी है, कई बार अकाल पड़ता है, और इसलिए वहां के समाज जीवन में एक नई परंपरा डेवलप हुई है। जैसे गुजरात में बारिश की शुरुआत होती है तो गुजरात में जल जिलनी एकादशी मनाते हैं, मतलब कि आज के युग में हम जिसको कहते हैं कैच द रेन, वो वही बात है कि जल के एक एक बिंदु को अपने में समेटना, जल जिलनी। उसी प्रकार से बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जन जागृति, जन आंदोलन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, जब नदी की बात हो रही है, माँ गंगा की बात हो रही है, तो एक और बात की और भी आपका ध्यान आकर्षित करने का मन करता है। बात जब नमामि गंगे की हो रही है तो जरूर एक बात पर आपका ध्यान गया होगा
और हमारे नौजवानों का तो पक्का गया होगा। आजकल एक विशेष ई ऑक्शन ई नीलामी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिए हैं। इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है। आप जिस आत्मीय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं उसी भावना को ये अभियान और मजबूत करता है। साथियों, देश भर में नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, पानी की स्वच्छता के लिए सरकार और समाज सेवी संगठन निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज से नहीं, दशकों से चलता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे कामों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं और यही परंपरा, यही प्रयास, यही आस्था हमारी नदियों को बचाए हुए है। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जब ऐसी खबरें मेरे कान पे आती हैं, ऐसे काम करने वालों के प्रति एक बड़ा आदर का भाव मेरे मन में जगता है और मेरा भी मन करता है कि वो बातें आपको बताऊं। अब देखिए, तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां एक नदी बहती है, नागा नदी। अब ये नागा नदी बरसों पहले सूख गई थी, इस वजह से वहां का जलस्तर भी बहुत नीचे चला गया था। लेकिन वहां की महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को पुनर्जीवित करेगी। फिर क्या था, उन्होंने लोगों को जोड़ा, जन भागीदारी से नहरें खोदी, चेक डैम बनाए, रिचार्ज कुएं बनाए। आपको भी जानकर के खुशी होगी साथियों कि आज वो नदी पानी से भर गई है। और जब नदी पानी से भर जाती है ना, तो मन को इतना सुकून मिलता है। मैंने प्रत्यक्ष इसका अनुभव किया है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जिस साबरमती के तट पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया था, पिछले कुछ दशकों में ये साबरमती नदी सूख गई थी। साल में 6-8 महीने पानी नजर ही नहीं आता था, लेकिन नर्मदा नदी। तो अगर आज आप अहमदाबाद जाओगे तो साबरमती नदी का पानी ऐसा मन को प्रफुल्लित करता है। इसी तरह बहुत सारे काम, जैसे तमिलनाडु की हमारी ये बहनें कर रही हैं, देश के अलग अलग कोने में चल रहे हैं। मैं तो जानता हूं कई हमारे धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए संत हैं, गुरुजन हैं, वे भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ पानी के लिए, नदी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कई नदियों के किनारे पैड लगाने का अभियान चला रहे हैं, तो कहीं नदियों में बह रहे गंदे पानी को रोका जा रहा है। साथियों, वर्ल्ड रिवर डे जब आज मना रहे हैं तो इस काम से समर्पित सबकी मैं सराहना करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन हर नदी के पास रहने वाले लोगों को, देशवासियों को मैं आग्रह करूंगा कि भारत में कोने कोने में साल में एक बार तो नदी उत्सव मनाना ही चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी भी छोटी बात को, छोटी चीज को छोटी मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे प्रयासों से कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। और अगर महात्मा गांधी जी के जीवन की तरफ हम देखेंगे तो हम हर पल महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों की उनके जीवन में कितनी बड़ी अहमियत थी और छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े संकल्पों को कैसे उन्होंने साकार किया था। हमारे आज के नौजवान को ये जरूर जानना चाहिए कि साफ सफाई के अभियान ने कैसे आजादी के आंदोलन को एक निरंतर ऊर्जा दी थी। ये महात्मा गांधी ही तो थे जिन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का काम किया था। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था। आज इतने दशकों बाद स्वच्छता आंदोलन ने एक बार फिर
देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है और ये हमारी आदतों को बदलने का भी अभियान बन रहा है। और हम ये न भूलें कि स्वच्छता ये सिर्फ एक कार्यक्रम है, स्वच्छता ये पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार संक्रमण की एक जिम्मेवारी है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जब स्वच्छता का अभियान चलता है तब संपूर्ण समाज जीवन में स्वच्छता का स्वभाव बनता है। और इसलिए ये साल दो साल एक सरकार दूसरी सरकार ऐसा विषय नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें स्वच्छता के संबंध में सजगता से अविरत रूप से बिना थके बिना रुके बड़ी श्रद्धा के साथ जुड़े रहना है और स्वच्छता के अभियान को चलाए रखना है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि स्वच्छता ये पूज्य बापू को इस देश की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और ये श्रद्धांजलि हमें हर बार देते रहना है, लगातार देते रहना है। साथियों, लोग जानते हैं कि स्वच्छता के संबंध में बोलने का मैं कभी मौका छोड़ता ही नहीं हूं और शायद इसीलिए हमारी मन की बात के एक श्रोता श्रीमान रमेश पटेल जी ने लिखा है, हमें बापू से सीखते हुए इस आजादी के अमृत महोत्सव में आर्थिक स्वच्छता का भी संकल्प लेना चाहिए। जिस तरह शौचालयों के निर्माण ने गरीबों की गरिमा बढ़ाई, वैसे ही आर्थिक स्वच्छता गरीबों को अधिकार सुनिश्चित करती है, उनका जीवन आसान बनाती है। अब आप जानते हैं जनधन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया, इसकी वजह से आज गरीबों को उनके हक का पैसा सीधा सीधा उनके खाते में जा रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार जैसे रुकावटों में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है। ये बात सही है, आर्थिक स्वच्छता में टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। हमारे लिए खुशी की बात है आज गांव देहात में भी फिनटेक यूपीआई से डिजिटल लेन देन करने की दिशा में सामान्य मानवी भी जुड़ रहा है, उसका प्रचलन बढ़ने लगा है। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, आपको गर्व होगा। पिछले अगस्त महीने में एक महीने में यूपीआई से 355 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, यानी करीब करीब 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि अगस्त के महीने में 350 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया गया है। आज एवरेज 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट यूपीआई से हो रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में स्वच्छता पारदर्शिता आ रही है। और हम जानते हैं अब फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। साथियों, जैसे बापू ने स्वच्छता को स्वाधीनता से जोड़ा था, वैसे ही खादी को आजादी की पहचान बना दिया था। आज आजादी के 75वें साल में हम जब आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, आज हम संतोष से कह सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में जो गौरव खादी को था, आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वो गौरव दे रही है। आज खादी और हैंडलूम का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और उसकी मांग भी बढ़ी है। आप भी जानते हैं ऐसे कई अवसर आए हैं जब दिल्ली के खादी शोरूम में एक दिन में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार हुआ है। मैं भी फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाए। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी हैंडलूम कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। साथियों, अमृत महोत्सव के इसी कालखंड में देश में
आजादी के इतिहास की अनकही गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान भी चल रहा है और इसके लिए नवोदित लेखकों को देश के और दुनिया के युवाओं को आह्वान किया गया था। इस अभियान के लिए अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और वो भी 14 अलग अलग भाषाओं में। और मेरे लिए खुशी की बात यह भी है कि 20 से ज्यादा देशों में कई अप्रवासी भारतीयों ने भी इस अभियान से जुड़ने के लिए अपनी इच्छा जताई है। एक और बहुत दिलचस्प जानकारी है, करीब 5,000 से ज्यादा नए नवोदित लेखक आजादी के जंग की कथाओं को खोज रहे हैं। उन्होंने जो अनसंग हीरोज हैं, जो अनामी हैं, इतिहास के पन्नों पे जिनके नाम नजर नहीं आते हैं, ऐसे अनसंग हीरोज पर थीम पर उनके जीवन पर उन घटनाओं पर कुछ लिखने का बीड़ा उठाया है। यानी देश के युवाओं ने ठान लिया है कि उन स्वतंत्र सेनानियों के इतिहास को भी देश के सामने लाएंगे जिनकी गत 75 वर्ष में कोई चर्चा तक नहीं हुई है। सभी श्रोताओं से मेरा आग्रह है, शिक्षा जगत से जुड़े सबसे मेरा आग्रह है, आप भी युवाओं को प्रेरित करें, आप भी आगे आए। और मेरा पक्का विश्वास है कि आजादी के अमृत महोत्सव में इतिहास लिखने का काम करने वाले लोग इतिहास बनाने भी वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम सभी जानते हैं, वहां की ठंड ऐसी भयानक है जिसमें रहना आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ, और पेड़ पौधों का तो नामो निशान नहीं है। यहां का तापमान -60 डिग्री तक भी जाता है। कुछ ही दिन पहले सियाचिन के इस दुर्गम इलाके में 8 दिव्यांग जनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। शरीर की चुनौतियों के बावजूद भी हमारे इन दिव्यांगों ने जो कारनामा कर दिखाया है, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। और जब इस टीम के सदस्यों के बारे में जानेंगे तो आप भी मेरी तरह हिम्मत और हौसले से भर जाएंगे। इन जाबाज दिव्यांगों के नाम हैं महेश नेहरा, उत्तराखंड के अक्षत रावत, महाराष्ट्र के पुष्पक गवांडे, हरियाणा के अजय कुमार, लद्दाख के लोबसांग चोस्पेल, तमिलनाडु के मेजर द्वारकेश, जम्मू कश्मीर के इरफान अहमद मीर और हिमाचल प्रदेश की चोंजिन एंगमो। सियाचिन ग्लेशियर को फतह करने का यह ऑपरेशन भारतीय सेना के विशेष बलों के वेटरन्स की वजह से सफल हुआ है। मैं इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इस टीम की सराहना करता हूं। यह हमारे देशवासियों के कैन डू कल्चर, कैन डू डिटर्मिनेशन, कैन डू एटीट्यूड के साथ हर चुनौती से निपटने की भावना को भी प्रकट करता है। साथियों, आज देश में दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में हो रहे ऐसे ही एक प्रयास वन टीचर वन कॉल के बारे में जानने का मौका मिला। बरेली में यह अनूठा प्रयास दिव्यांग बच्चों को नई राह दिखा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व कर रही है डभौरा गंगापुर में एक स्कूल की प्रिंसिपल दीप माला पांडे जी। कोरोना काल में इस अभियान के कारण न केवल बड़ी संख्या में बच्चों का एडमिशन संभव हो पाया, बल्कि इससे करीब
350 से अधिक शिक्षक भी सेवा भाव से जुड़ चुके हैं। ये शिक्षक गांव गांव जाकर दिव्यांग बच्चों को पुकारते हैं, तलाशते हैं और फिर उनका किसी न किसी स्कूल में दाखिला सुनिश्चित कराते हैं। दिव्यांग जनों के लिए दीपमाला जी और साथी शिक्षकों की इस नेक प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा हर प्रयास हमारे देश के भविष्य को संवारने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम लोगों की जिंदगी का हाल यह है कि एक दिन में सैकड़ों बार कोरोना शब्द हमारे कान पर गूंजता है। 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोविड-19 ने हर देशवासी को बहुत कुछ सिखाया है। हेल्थ केयर और वेलनेस को लेकर आज जिज्ञासा भी बढ़ी है और जागरूकता भी। हमारे देश में पारंपरिक रूप से ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो वेलनेस यानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ओडिशा के कालाहांडी के नांदोल में रहने वाले पतायत साहू जी इस क्षेत्र में बरसों से एक अनोखा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 1.5 एकड़ जमीन पर मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं। यही नहीं, साहू जी ने इन मेडिसिनल प्लांट्स को डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। मुझे रांची के सतीश जी ने पत्र के माध्यम से ऐसी ही एक और जानकारी साझा की है। सतीश जी ने झारखंड के एक एलोवेरा विलेज की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। रांची के पास ही देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कश्यप जी के नेतृत्व में बिरसा कृषि विद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। कोविड महामारी के दौरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां सीधे इन्हीं से एलोवेरा खरीद रही थी। आज इस कार्य में करीब 40 महिलाओं की टीम जुटी है और कई एकड़ में एलोवेरा की खेती होती है। ओडिशा के पतायत साहू जी हो या फिर देवरी में महिलाओं की टीम, इन्होंने खेती को जिस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र से जोड़ा है वो एक अपने आप में मिसाल है। साथियों, आने वाली 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती होती है। उनकी स्मृति में ये दिन हमें खेती में नए नए प्रयोग करने वालों की भी शिक्षा देता है। मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मेडी हब TBI के नाम से एक इंक्यूबेटर गुजरात के आणंद में काम कर रहा है। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट से जुड़ा ये इंक्यूबेटर बहुत कम समय में ही 15 एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस आइडिया को सपोर्ट कर चुका है। इस इंक्यूबेटर की मदद पाकर ही सुधा चेब्रोली जी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। उनकी कंपनी में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हीं पर इनोवेटिव हर्बल फॉर्मुलेशन की भी जिम्मेदारी है। एक और एंटरप्रेन्योर सुभाश्री जी ने, जिन्हें भी इसी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट इंक्यूबेटर से मदद मिली है। सुभाश्री जी की कंपनी हर्बल रूम और कार फ्रेशनर के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने एक हर्बल टेरेस गार्डन भी बनाया है जिसमें 400 से ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स हैं। साथियों, बच्चों में मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक दिलचस्प पहल की है और इसका बीड़ा उठाया है हमारे प्रोफेसर आयुष्मान जी ने। हो सकता है कि जब आप ये सोचे कि आखिर प्रोफेसर आयुष्मान है कौन, दरअसल प्रोफेसर आयुष्मान एक कॉमिक बुक का नाम है। इसमें अलग अलग कार्टून किरदारों के जरिए छोटी छोटी कहानियां तैयार की गई हैं। साथ ही एलोवेरा, तुलसी, आंवला, गिलोय, नीम, अश्वगंधा और ब्रह्मी जैसे सेहतमंद मेडिसिनल प्लांट की उपयोगिता बताई गई है। साथियों, आज के हालत में जिस प्रकार मेडिसिनल प्लांट और हर्बल उत्पादों को लेकर
दुनिया भर में लोगों का रुझान बढ़ा है, उसमें भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। बीते समय में आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। मैं साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोगों से ऐसे प्रोडक्ट की ओर ध्यान देने का आग्रह करता हूं जो लोगों की वेलनेस और इम्यूनिटी तो बढ़ाए, हमारे किसानों और नौजवानों की आय को भी बढ़ाने में मददगार साबित हो। साथियों, पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर खेती में हो रहे नए प्रयोग, नए विकल्प लगातार स्वरोजगार के नए साधन बना रहे हैं। पुलवामा के दो भाइयों की कहानी भी इसी का एक उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बिलाल अहमद शेख और मुनीर अहमद शेख ने जिस प्रकार अपने लिए नए रास्ते तलाशे, वो न्यू इंडिया की एक मिसाल है। 39 साल के बिलाल अहमद जी हाईली क्वालिफाइड है, उन्होंने कई डिग्रियां हासिल कर रखी है। अपनी उच्च शिक्षा से जुड़े अनुभवों का इस्तेमाल आज वो कृषि में खुद का स्टार्टअप बनाकर कर रहे हैं। बिलाल जी ने अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट लगाई है। इस यूनिट से तैयार होने वाले बायो फर्टिलाइजर से न केवल खेती में काफी लाभ हुआ है, बल्कि यह लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आया है। हर साल इन भाइयों की यूनिट से किसानों को करीब 3000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है। आज उनकी इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में 15 लोग काम भी कर रहे हैं। उनकी इस यूनिट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनमें ज्यादातर ऐसे युवा होते हैं जो कृषि क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। पुलवामा के शेख भाइयों ने जॉब सीकर बनने की जगह जॉब क्रिएटर बनने का संकल्प लिया और आज वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को नई राह दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 25 सितंबर को देश की महान संतान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती होती है। दीनदयाल जी पिछली सदी के सबसे बड़े विचारकों में से एक है। उनका अर्थदर्शन, समाज के सशक्त करने के लिए उनकी नीतियां, उनका दिखाया अंत्योदय का मार्ग आज भी जितना प्रासंगिक है उतना ही प्रेरणादायी भी है। 3 साल पहले 25 सितंबर को उनकी जन्म जयंती पर ही दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई थी। आज देश के 2.25 करोड़ से अधिक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल चुका है। गरीब के लिए इतनी बड़ी योजना दीनदयाल जी के अंत्योदय दर्शन को ही समर्पित है। आज के युवा अगर उनके मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तो ये उनके बहुत काम आ सकता है। एक बार लखनऊ में दीनदयाल जी ने कहा था, कितनी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे गुण हैं, ये सब हमें समाज से ही तो प्राप्त होते हैं, हमें समाज का कर्ज चुकाना है, इस तरह का विचार करना ही चाहिए। यानी दीनदयाल जी ने सीख दी कि हम समाज से, देश से इतना कुछ लेते हैं, कहेंगे इस बारे में सोचना चाहिए। ये आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। साथियों, दीनदयाल जी के जीवन से हमें कभी हार न मानने की भी सीख मिलती है। विपरीत राजनीतिक और वैचारिक परिस्थितियों के बावजूद भारत के विकास के लिए स्वदेशी मॉडल के विजन से वे कभी डिगे नहीं। आज बहुत सारे युवा बने बनाए रास्तों से अलग होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे चीजों को अपनी तरह से करना चाहते हैं। दीनदयाल जी के जीवन से उन्हें काफी मदद मिल सकती है, इसलिए युवाओं से मेरा आग्रह है कि उनके बारे में जरूर जानें। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने आज बहुत से विषयों पर चर्चा की। जैसा हम बात भी कर रहे थे, आने वाला समय त्योहारों का है। पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की असत्य पर विजय का पर्व भी मनाने वाला है, लेकिन इस उत्सव में हमें एक और लड़ाई के बारे में याद रखना है, वो है देश की कोरोना से लड़ाई। टीम इंडिया इस लड़ाई में
रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। वैक्सीनेशन में देश ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस लड़ाई में हर भारतवासी की अहम भूमिका है। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन तो लगवानी ही है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई इस सुरक्षा चक्र से छूट न जाए। अपने आसपास जिसे वैक्सीन नहीं लगी है उसे भी वैक्सीन सेंटर तक ले जाना है। वैक्सीन लगने के बाद भी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करना है। मुझे उम्मीद है इस लड़ाई में एक बार फिर टीम इंडिया अपना परचम लहराएगी। हम अगली बार कुछ और विषयों पर मन की बात करेंगे। आप सभी को, हर देशवासी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।